बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड सीएससी गाइड ऑफिशियल .com वेबसाइट। तो आज हम बात करेंगे डोंगवा यूनिवर्सिटी की, पहले सीएससी पे बात करेंगे, उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे बात करेंगे, और इसके बाद उसका फॉर्म जो कैसे फिल करना है वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब की वीडियो पे, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं डायरेक्ट, या आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या करना है जी, सीएससी गाइड ऑफिशियल .com ओके हो गया जी। डोंगवा यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं। अथॉरिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है डोंगवा यूनिवर्सिटी, मास्टर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है 3000 RMB, और मास्टर के लिए 3500 RMB नॉर्मल जो होता है वो, और एप्लीकेशन फी इसकी क्या है जी, 800 RMB है एप्लीकेशन फी। इसका क्या हिसाब किताब है उसका मैं आगे चल के बताता हूँ। इनका सिस्टम अच्छा भी है थोड़ा सा, और जिसे कहते हैं बुरा तो ये है कि 800 RMB फी है, और अच्छा भी है सिस्टम, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक हो गया जी। फॉर्म कैसे फिल करना है जी, आपने फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक करने हैं या नहीं करने इसका नहीं पता, वो आप यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछ लें, वो तरीकाकार बाकी आपको बता देता हूँ। सीनियर हमारे हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनसे हमने कंफर्म किया है सारी चीज़ें, कंफर्म ये क्या है फीस का कंफर्म किया है, बाकी ये डॉक्यूमेंट जो सेंड करने हैं या नहीं करने इस चीज़ का हमने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि वो इस टाइम खुद भी जो है यहीं पे आए हुए हैं पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो मज़ीद इसके बारे में पूछेंगे, पूछ के इंशाल्लाह लाजमी आपको बताएंगे। तो सिचुएशन थोड़ी सी है वहाँ पे, सूरत हाल जो है थोड़ी सी अब बेहतर हो रही है, देखो क्या क्या क्या, क्या होता है। अच्छा, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और PhD के लिए 40 साल है। आइट्स के यू कैन अप्लाई विद आइट्स, विदाउट आइट्स भी कर सकते हैं, विदाउट आइट्स भी कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट यू फिल सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं। वो कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सीएससी का फॉर्म तो यहाँ पे दिया गया है, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिया गया होगा, ओके हो गया जी। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं प्रिपेयर करके आपने क्या करने हैं, इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं, या बेहतर तो यही है कि आप उनकी जो इंटरनेशनल ऑफिस की ईमेल होती है उस पे मेल करके पूछ लें, ठीक हो गया। और इसके बाद सीएससी पे यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन डोंगवा यूनिवर्सिटी पोर्टल, और सीएससी पे पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सॉरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है जी, सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म और डोंगवा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, सुपरवाइजर कन्फर्मेशन लेटर हो गया, वही एक्सेप्टेंस लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, आइट्स विद इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी से पता कर ले, लेकिन चल जाता है इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो हमारे दोस्त हैं वो इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे ही गए हुए हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आउट क्लास यूनिवर्सिटी डोंगवा यूनिवर्सिटी, और इसमें सीएससी करिकुलम वीटाए, और उसमें एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फ़ी का इसमें मज़े की बात यह है कि एप्लीकेशन फ़ी अगर आप एक साल मतलब अब आपने पे की, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका एडमिशन नहीं होता इस साल, तो अगले साल यही एप्लीकेशन फ़ी चल जाएगी, आपको नई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी आ सकते हैं, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अब डोंगवा यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, इस पे तरीका क्या है अप्लाई करने का। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अथॉरिटी है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट सब चीज़ें वही है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने ये यूनिवर्सिटी से आप कन्फर्म कर लीजिएगा, लेकिन यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करके जब ऑनलाइन अप्लाई कर लें सब सारे दोनों फॉर्म सबमिट हो जाए तो फिर आप उनसे कंटेक्ट कर लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये आपको यूनिवर्सिटी बेहतर बताएगी, क्योंकि उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप खुद लगा लीजिएगा कि क्या करना है आपको। तो इसका तरीकाकार यह है जी, सीएससी में और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में फर्क यह है कि अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो सीएससी का फॉर्म और सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहां पे क्लिक करके आप सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहां पे सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, क्लिक करके जो लिंक पे जाएंगे उस पे सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए करना है तो आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं शंघाई गवर्नमेंट के। बाकी उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए करना होगा, सीएससी के लिए भी शंघाई के लिए भी, ठीक है। लेकिन अगर आप शंघाई के लिए कर रहे हैं तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म करना होगा, और अगर आप सीएससी के लिए कर रहे हैं तो सीएससी का फॉर्म फिल करना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाकी सारी चीजें सेम टू सेम वैसी है जैसे सीएससी की है, ठीक हो गया। तो दोनों की सब चीजें सेम है,
यूएसटी का गाई गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म कैसे फिल करना है ये यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, ये सारी सब चीज़ें सेम है जो सीएससी को रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें हो गई इसकी। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चले जाएंगे डोंगवा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर। ये है जी डोंगवा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो मैं इसे करता हूँ रजिस्टर, कर देता हूँ कनेक्ट, सॉरी अच्छा कनेक्ट हो गया, अब मैं करता हूँ इसे रजिस्टर। जैसे रजिस्टर करेंगे तो ये आई थिंक ये मेल वगैरह नहीं जाती ईमेल बॉक्स में, मे भी जाए लेकिन मेरे पास नहीं आई थी जो पहले मैंने एक किया था। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, मैं डेमो या फॉर्मेलिटी के हिसाब से लिखता जाता हूँ। ठीक हो गया जी, स्पेलिंग सही है या नहीं है ये आप खुद ही सोच लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अगर चाइनीज नेम नहीं है तो एनए कर दे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने इंटर करना है, पासपोर्ट गिवन नेम। ठीक हो गया जी, यहाँ पे पासपोर्ट सर नेम, पासपोर्ट गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर कोई भी सिलेक्ट कर ले, मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, नेशनलिटी कोई भी हो गई। इसके बाद इस्लाम हो गया, मैरिज स्टेटस सिंगल हो गया। ये आगे फॉर्म की ये इसकी समझ नहीं आ रही ना, इस वजह से मुझे सारा ये करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ना करता। करंट ऑक्यूपेशन छोड़ देते हैं खाली, अगर आपकी है तो आपने लिख देनी है। ई मेल भी आपने अपनी सही लिख देनी है। मैं लिखता हूँ जी csc@gmail.com। ठीक है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन विद फॉर्मेलिटी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है या किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है जहाँ पे आपने काम किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है प्रीवियस। एक्सपायरी डेट कौन सी है जी पासपोर्ट की, ये है मैं ये लिख देता हूँ। अप्लाइंग न्यू नो हाइस्ट डिग्री मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की आपकी हाइस्ट डिग्री, और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपकी मास्टर की डिग्री हाइस्ट डिग्री है। मैं बैचलर पहले सिलेक्ट कर देता हूँ, इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ, मदर टंग नहीं इंग्लिश नहीं, हम अदर करते हैं, अदर करके यहाँ पर कर देनी है उर्दू। ठीक हो गया जी, उसके बाद नेम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने अपने फादर का दे देना है या किसी का भी दे देना है, यहाँ पे नंबर अपने भाई का दे देना है, रिलेशनशिप अपने ब्रदर है तो भाई, फादर है तो फादर, ईमेल अपने भाई की या किसी की भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, एड्रेस ये सारी फॉर्मेलिटी में लिख देता हूँ पाकिस्तान, और ये एड्रेस टेलीफोन नंबर आपने अपने हिसाब से अपना फुल सही सी एड्रेस देख लिखना है। ठीक हो गया जी, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही आपने अपनी लिख देनी है। और उसके बाद मैं करता हूँ सबमिट, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबमिट हो गया है फॉर्म, नहीं, ये आगे आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दोबारा आ गई, ये सारी वहीं पे फिल हुई हुई आ गई। अब दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये चले जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में। ठीक हो गया जी, यहाँ पे फोटो आपने अपलोड करनी है, यहाँ पे पासपोर्ट एक्स टू वीज़ा एंड रेजिडेंस परमिट ये आपके पास नहीं होगी आई थिंक, तो आपने कोई ब्लैंक पेज आई थिंक लगा दें या यूनिवर्सिटी से आप कंफर्म कर सकते हैं। आई थिंक ब्लैंक पेज पासपोर्ट का या पासपोर्ट ही लगा दें बगैर इसको, अच्छा इसके बगैर किए हुए आगे सबमिट करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है जी, तो मैं डेमो के लिए ये एक फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया है, दोबारा चूज़ करके दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हो गई। उसके बाद ये आपने सही सी करनी है, ये सैंपल यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस तरह की फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो भी होती है नॉर्मली वही चल जाती है, पासपोर्ट की भी मैं इसे डेमो के तौर पे इसे ही लगा देता हूँ। अब सबमिट करते हैं, क्लिक होता है या नहीं होता, ओके बस ओके कर देना है। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आगे चले जाएगा फॉर्म। ठीक हो गया जी, यहाँ पर पासपोर्ट, यहाँ पर फ़ोटो आपका आ जाएगा, यहाँ पर पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब क्या है, क्या करना है जी, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है, ये फिल हो गई तो अकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स नॉन डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, डिग्री प्रोग्राम्स में अंडर ग्रेजुएट भी है, चाइनीज मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, तो यहाँ पे आपने मास्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप मास्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने फिर क्या कर देना है जी, आई एग्री, और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश आपने सेलेक्ट करनी है, और इंग्लिश में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेजर जो है ये इंग्लिश में है। ठीक हो गया जी, और अगर चाइनीज़ में हम सेलेक्ट करते हैं तो बेतहाशा मेजर आ जाते हैं, इतने मेजर है, सिविल है, सारी चीज़ें जो हैं ये चाइनीज़ में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिविल देखते हैं है या नहीं है, मैंने अभी देखा था यहाँ पे है, तो ये अपने हिसाब से आप मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, और कोई भी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, CGSI या CSC। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ें हैं, हैव यू आर रेडी फिनिश CSC एप्लीकेशन फॉर्म, यस
यस, अब मतलब कि ये दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि आप दोनों स्कॉलरशिप पे एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी पे भी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी, ठीक है। अगर आप सीएससी के लिए कर रहे हैं तो पहले आप सीएससी का फॉर्म फिल कीजिएगा, और शंघाई के लिए, दोनों के लिए कर रहे हैं तो पहले सीएससी का फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर शंघाई का फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे फिल कीजिएगा। ये जो सीएससी का सीरियल नंबर होता है, ये जब आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं, हर पेज पे एक सेम सीरियल नंबर होता है, ए अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डिजिट में, ठीक है। तो वो जो होता है वो सीरियल नंबर होता है, ठीक है, और वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। और जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का होता है, वो जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, आपको फिर ईमेल भेजते हैं, उसमें सीरियल नंबर भी आई थिंक लिखा होता है, और उसमें अगर सीरियल नंबर नहीं लिखा होता तो फिर वो लॉग इन डिटेल देते हैं, लॉग इन डिटेल में यूजर नेम और पासवर्ड और के साथ लिंक होता है, और लिंक पे क्लिक करके आपने फिर यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है, और वो दे के फिर आपका जो है फॉर्म का आपका सीरियल नंबर वहां पे आ जाता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो अगर नहीं किया हुआ सीएससी का फॉर्म तो नो पे क्लिक कर दे, लेकिन बेहतर यही है आप सीएससी का कर दे पहले, क्योंकि आप उन्हें चांस ना दे कोई भी चीज, किसी चीज का। तो यहाँ पे 2020 है, 2020 ही होगा, ऑटम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसके बाद द वे टू नो द प्रोग्राम यू इंटेंडेड टू टेक, इंटरनेट इंटरनेट से पता चला या कहाँ से पता चला, तो इंटरनेट का कह देते हैं, अदर्स का कह देते हैं, अदर्स चलिए इंटरनेट का कह देते हैं, यहाँ पे किसी वेबसाइट का english.datu, यहाँ पे इसका ही कर दे। हाईएस्ट लेवल क्या है जी? बैचलर है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल बैचलर है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देता हूँ, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ आपने अपने पीरियड लिखना है, हाई स्कूल पीरियड 2000, आप मान लो कि आपका 2012 से 2016 या चार फोर फोर ईयर 4 साल का होगा, तो वो आपने लिख देना है यहाँ पे। तो आप 2012 ऐसा लिखे, 2012 से 2016 इस तरह लिख दें, उनको खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इंस्टीट्यूशन, फील्ड ऑफ स्टडी, डिप्लोमा रिसीव्ड, किस चीज़ में हुआ है। फील्ड ऑफ स्टडी मान लो कि आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग लिख देना है, और डिप्लोमा रिसीव्ड बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या बीएस टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ें हैं तो वो लिख देनी है जो डिग्री पे लिखी होती है, ठीक है। बैचलर ये हाई स्कूल है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है। तो ये फॉर्मेलिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो स्टार का निशान जहाँ पे रेड का लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन लाजमी दे दी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जहाँ से किया हुआ है, और यहाँ से फील्ड ऑफ स्टडी, और यहाँ अगर यहाँ पे भी देना चाहे तो यहाँ फील्ड ऑफ स्टडी आप लिख दें प्री इंजीनियरिंग, और यहाँ पे एफ एस सी लिख दें, एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग जो भी है, ठीक है। अदर में लिखना चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। चाइनीज प्रोफिशिएंसी नन है क्योंकि आपने यहाँ पे मेजर इंग्लिश सेलेक्ट किया था। अब ये नहीं पता कि अगर आप सीएससी के लिए कर रहे हैं या शंघाई के लिए, दोनों के लिए कर रहे हैं, चाइनीज में अगर आपका मेजर है तो आपको एच एस के कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इसका नहीं पता अगर आपका मेजर चाइनीज में है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डन कर दें, या आई कैन बी टॉट इन इंग्लिश, ठीक है। अदर में इंग्लिश सेलेक्ट कर दें या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेलेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कर दें सबमिट, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे सबमिट, और इसके बाद आ जाएगा कि नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू फिनिश द ऑनलाइन एप्लीकेशन नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रपोज स्टडी प्रोग्राम यू हैव सेलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट मास्टर, तो मतलब कि सारी चीज़ें जो भी की हैं ओनली आफ्टर रिसीविंग द, तो आपने क्या करना है, प्लीज प्रिपेयर वन सेट ऑफ कंप्लीट हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मटेरियल एंड सेंड देम टू द इंटरनेशनल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ डोंगवा यूनिवर्सिटी ओनली आफ्टर रिसीविंग द कंप्लीट हार्ड कॉपीज। यहाँ पे ये एड्रेस ये है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए तभी वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए आपको कि मैं कह रहा था आप यूनिवर्सिटी से पूछ लें कि अब जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे सेंड नहीं हो रहे या मसला आ रहा है तो क्या करें, वो फिर आपको बताएंगे। ताज़ा तरीन सिचुएशन जो है कि चेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉस्पेक्ट्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उनको। चलिए ये डाउनलोड होता है तो हम तब तक ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर मास्टर और डॉक्टर इफ़ यू आर अप्लाइंग एलिजिबल एज वेल एज प्लान टू स्टडी फॉर सीएससी रिक्वायर्ड इधर चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और सिल्क रोड प्रोग्राम, यू आर रिक्वायर्ड टू फिनिश सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फर्स्ट, और उसके बाद प्रिंट आउट करना है। मतलब कि आप दोनों पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर शंघाई का फॉर्म फिल करना है, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप सीएससी के लिए करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, फीस एक ही मरतबा पे करनी होगी, 800 RMB, चाहे वो सीएससी के लिए करें चाहे वो शंघाई के लिए करें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर तो आपकी सीएससी की डिग्री जो है सीएससी कह रहा हूँ, तीन यूनिवर्सिटी तीन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई फिर तो आप दोनों के लिए करें, अगर आपकी हो गई है फिर तो
आपको करना होगा, ये फाइल डाउनलोड नहीं हुई पता नहीं क्या वजह, दोबारा ओपन करते हैं इसे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, जैसे ही आप करेंगे ओके के ऑप्शन पे तो ये फाइल हो जाएगी सबमिट आपकी, ओके पे करना है तो ओके, यहाँ ये डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये अभी हो जाएगा, देखते हैं, मैंने भी अभी ओपन नहीं की कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया, बस यही फॉर्म जैसे ही आप ओके करेंगे आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है। और चलिए मैं ओके कर देता हूँ, फॉर्म तो वैसे वो नहीं होगा, कहाँ पे है जी, यहाँ पे आपने देख ले लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे हम लिखते हैं, शंघाई गवर्नमेंट, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कहे हैं, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद फी अब कहाँ पे कर रही है ये उन्होंने बताया, कंप्लीट द फॉलोइंग टू दी जो पी फिल डीएचयू एप्लीकेशन एडमिशन सबमिट द हार्ड कॉपीज ऑफ कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे द एप्लीकेशन फी मोर डिटेल्स रेफर। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ नहीं है कि फी कैसे पे करनी है। बहरहाल यहाँ पे ये जो है बाई पेमेंट का ऑप्शन पे पता नहीं कुछ है या नहीं है, लेकिन 800 आरएमबी एप्लीकेशन फ़ी है। ऑनलाइन सिस्टम में इन्होंने नहीं कहा कहाँ पे है, लेकिन फ़ी है, कहाँ पे करनी है ये नहीं करनी, ये नहीं उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये अब हिसाब 800 आरएमबी में भी, वो आपकी जब एप्लीकेशन अच्छा वो मैं सबमिट कर रहा था, चले ओके करके सबमिट कर देते हैं। फॉर्म तो है रॉन्ग, इन्फॉर्मेशन है तो रॉन्ग, लेकिन करते हैं आपको दिखाने के लिए, आपको मैं स्टेटस दिखाता हूँ, आपका स्टेटस यहाँ पे एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस आ गई, ठीक है। तो मेरा स्टेटस जो है सबमिट हो गया है, सबमिट मैंने कर दिया है, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ें वही आ गई, ठीक है। पेमेंट प्रिंट प्रीव्यू डाउनलोड है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में पता नहीं क्यों नहीं आई, मे बी यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज फॉर स्टडी प्रोग्राम योर एप्लीकेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल प्लीज लॉग इट बैक टू योर अकाउंट इन फॉलोइंग फ्यू डेज फॉर फर। मेरे ख्याल में हाँ, यहाँ पे जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन में देंगे कि आपने फ़ी पे कैसे करनी है, ठीक हो गया जी, ये हिसाब किताब होगा इसका। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।